वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मेरे घर है छठी बाबू का। पता नहीं आपके सिटी में छठी को क्या बोलते हैं। यहाँ 11 दिन पे पूजा होता है और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। इवनिंग में पार्टी होगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे होता है रस्म, तो मेरे साथ वीडियो में बने रही है। तो अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो चलिए शॉपिंग करते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए मॉल और बेबी का कपड़ा ले रहे हैं। तो पसंद आया तो अभी देख रहा देख रहा है। चलो देखो तुम। किसके लिए ले रहे हो? हाँ, छोटी बाबू को ले ले। ठीक है, लो दिखाओ कौन सा लिए। दिखाओ दिखाओ, ये वाला। ठीक, टेडी। तो हम लोग का शॉपिंग हो गया है, बस टेडी लेना है। तो चलते टेडी लेते हैं। हो गया शॉपिंग, बिलिंग करवाओ। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और बाबू का छट्टी अभी होने वाला है। तो चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं पार्टी को और दिखाते हैं कि हम लोग के छट्टी कैसे होता है। तो चलिए दिखाते हैं। मम्मी क्या बना रही हो? एक कुआं बना रहे हैं, पूजा करने छठियार का भी है। हाँ। इसको पूजा करेगी। तो अब इसमें डाला जा रहा है पानी और दूध मिक्स करके इस कुआं में। इसी कुआं से पूजा होता है बेबी का। छठी में जितने भी सुहागने औरतें होती हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है पूरा मांग भर के। हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि सुहागन को पूरा मांग भर के सिंदूर लगाना होता है। और ये है बेबी की बड़ी मौसी और ये है बेबी की छोटी बुआ। अब बाबू की बुआ काजल सेक रही है। ये रस्म है, आज के दिन ही बाबू के आँख में काजल लगता है। और अगर किसी की बुआ नहीं होती है तो मौसी भी सेक लेती हैं। तो अभी बाबू की छोटी बुआ काजल सेक रही हैं। अभी दी के गोद में बाबू नहीं है क्योंकि अभी दिया सेका जा रहा है। उस दिए को बाबू नहीं देख सकती है। जब दिया हट जाएगा तो फिर बाबू आएगी। तो अब बाबू आ चुकी है। बाबू अपने मम्मा के गोद में जाएगी, फिर आगे का रस्म स्टार्ट होगा। तो अब बाबू की नानी पैर रंगेगी। पैर अलग अलग रखो ना तू, बस वैसे ही रहना। तो बाबू का निशान एक पेपर में लेंगे। ये हमारे घर की लक्ष्मी है और इस निशान को संभाल के रखा जाता है। तो अब काजल लगेगी। सबसे पहले बाबू की मम्मी को काजल लगती है, उसके बाद फिर बाबू को लगेगी। तो बाबू की बुआ बाबू की मम्मी को काजल लगाएंगी अभी। तो अब बाबू को काजल लगने जा रहा है। पहली बार बाबू को काजल लगता है 11 दिन के बाद। तो अब बाबू को गोद में लेके बाबू की मम्मी खाना खाती है। यहाँ पे हम लोग के यहाँ चावल दाल दही 5 किस्म का सब्जी एक में ही मिक्स करके बन जाता है। पापड़ तिलौरी और मछली, यहाँ पे मेन मछली होता है क्योंकि हमारे यहाँ छठियार में मछली मेन होता है। तो सब चीज़ में से थोड़ा थोड़ा बाबू की मम्मी खाएंगे, फिर उसके बाद फिर सबको ही खाते हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम है, तुमको एक ही पिक करना है कि बेबी का नाम जो पिक करोगे वही बेबी का नाम रखा जाएगा। कौन सा कौन सा देखते हैं क्या नाम आता है बाबू का।
प्रणीति। तो बाबू का नाम है प्रणीति। कैसा लगा आपको नाम, नीचे कमेंट करके बताइएगा।